अब हम लोग समझते हैं मोबिलिटी ऑफ अ गट इट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल में फूड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कैसे करता है तो यहाँ पे इट अकर्स थ्रू मैस्टिकेशन ऑफ फूड इट मीन्स मैस्टिकेशन की प्रोसेस होती है उसके द्वारा फूड मूव करेगा स्वेलोइंग एंड जिसको कि हम लोग डी ग्लूटिशन भी कहते हैं इसके द्वारा फूड मूव करेगा देन तीसरी बात आती है पेरेस्टेलिस की जो कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है इन तीनों के द्वारा फूड क्या करता है थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर के एनस तक वेरियस पार्ट से होते हुए पहुंचता है अब हम लोग यहां पे एक एक की अगर बात करें मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड सोलोइंग एंड डीकोटेशन ये होता है बकल कैबिटी में इट मीन्स ये माउथ की जो कैबिटी है इसके अंदर यहां पे किसके द्वारा होगा इट इज़ अ वॉलेंट्री प्रोसेस इट मीन्स ये प्रोसेस हमारे विल पर डिपेंड कर करती है और हम इसको अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं थ्रो द टीथ एंड टंग इनके द्वारा हम क्या करते हैं इस प्रोसेस को कराते हैं जिससे कि फोर टाइप्स के टीथ होते हैं कटिंग का, का काम करता है तो कैनाइन का काम करता है प्री मोलर एंड मोलर ग्राइंडिंग काम करते हैं इस तरीके से फूड को तब छोटे रहता है जो कि क्या होता है फूड के साथ मिक्स होकर के फूड को सॉफ्ट बना देते हैं एक तरीके से एंड इस सॉफ्ट एंड फूड को हम लोग बोलस कहते हैं क्या कहते है? हैं बोलस ये वर्ड ध्यान रखिएगा एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड पुस्सेज द फूड टूवर्ड्स द फेरिंग्स फॉर डिग्लूटेशन के लिए अगली प्रोसेस आती है स्वेलिंग और डिग्लूटेशन का ये भी बकल कैबिटी में होता है इसमें क्या होता है फूड को जो कि बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट है सॉफ्ट एंड फूड को ओइसोफेजियल ओपनिंग फेरिंग्स के पास पहुंचा दिया जाता है वहां से वो एंट्री करता है ओइसोफेगस फूड पाइप में एंड देन वहां पे होती है मूवमेंट थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल इसके बाद पेरिस्टाइलिस की मूवमेंट होगी जो कि एक मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है इट इज अ रिदमिक वेब लाइक मूवमेंट इन द वेरियस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इसकी मूवमेंट अगर हम लोग इस तरीके से अगर ओइसोफेगस का स्ट्रक्चर है तो क्या होगा फूड एंट्री करेगा एंड इस तरीके से क्या होगा आगे की तरफ पुशअप करता चला जाएगा इस तरीके से क्या होता है वेबलाइक एक मूवमेंट इनका होता है एंड इस तरीके से फूड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या कराता रहेगा मूव कराता रहेगा दिस इज नोन एज पेरिस्टेलिस मूवमेंट ये मूवमेंट थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल चलेगा स्टमक में भी एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली होता है ये एंड देन फूड को एनएस तक पहुंचा देगा